माई YouTube चैनल, तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये मैं जो शेयर कर रही हूँ मदर्स डे पे आया था, काफ़ी सिंपल सा केक था। मैं कुछ वीडियोज़ आप सबके साथ 3-4 दिन से अपलोड मतलब शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी की वजह से मतलब तबीयत जो थी एकदम ख़राब हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस थी जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। तो केक के ऑर्डर्स तो मैंने जो पहले से बनाए थे लेकिन वीडियोस जो थी वो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई जो आप सबके साथ शेयर करती। तो यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और केक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और सबसे बड़ी बात कि केक क्लाइंट को बहुत जो था ना केक में एकदम कम लेस क्रीम चाहिए थी, जितनी कम हो सके उतनी कम। तो मैंने पूरी कोशिश की और उन्हें एकदम भी फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था, इनफैक्ट जो हमने मदर्स डे भी लिखना है ना केक पे वो भी उन्हें फोंडेंट के साथ नहीं चाहिए था। तो ज़ीरो फोंडेंट केक चाहिए था और साथ में लेस क्रीम चाहिए थी क्योंकि उनके साथ जो भी केक कटिंग होने वाली थी उनकी एक मदर नहीं थी, और भी जैसे आंटी चाचियाँ सब जितनी होती हैं तो बहुत सारी, उन्होंने कहा हमारी मदर्स हैं हमसे सीनियर्स हैं तो सारे जो है सीनियर सिटीज़न हैं तो सबके लिए ये वाला केक है। तो केक जो है आप सिंपल सोबर बनाइएगा, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड थी। केक की कटिंग हमने एकदम अच्छे से कर ली ठंडा होके, इसे हमने रेक्टेंगुलर शेप में ही बनाया है। साथ में यहाँ पे जो बोर्ड है ये हमने बढ़ा लिया है, बोर्ड की साइज़ भी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और जो फोंडेंट वर्क आप सब ने मुझे कहा है हार्ट शेप का, वो मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी जो मैं नहीं कर पाई, होपफुली वो मैं कल तक आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ क्योंकि वो मैंने वीडियो बना ली लेकिन उसकी भी मैंने अभी तक एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की है जो आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, तो वो भी होपफुली आप सबके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। और जो मैंने 3D हार्ट्स बनाए थे वो सबकी भी जो जितनी भी ट्यूटोरियल है आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ ताकि आप कोई एनिवर्सरी बर्थडे या वैलेंटाइन पे कहीं पर भी कुछ भी केक्स अगर आप बना रहे हो तो आपको हेल्प हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बहुत ही लेस क्रीम लगा रही हूँ मैंने, जितनी क्रीम होती है ना मतलब जितनी हम लगाते कम से भी कम क्रीम मैंने यहाँ पे लगाई, अच्छे से हम लगा लेंगे यहाँ पे क्रीम, अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। अगर आप देख रहे हो बहुत ही इसे हमने इक्वल तरीके से एकदम स्प्रेड किया है। साथ में हमने ले लिया पाइनएप्पल क्रश, कस्टमर की डिमांड थी हमें पाइनएप्पल क्रश वाला केक चाहिए तो मैंने वही ही यूज़ किया है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है हमने इसका क्रश यूज़ किया है, फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ नहीं किए, आपकी जैसी डिमांड हो क्लाइंट की वैसी ही आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और छोटे छोटे केक्स के ऑर्डर भी थे कुछ मदर्स डे पे जो मैं वीडियोस आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो उम्मीद करूँगी अगर हो सकेगा पॉसिबल तो शेयर करूँगी। काफ़ी सिंपल से केक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे केक्स के मुझे ऑर्डर आए थे जो मैंने किए थे, और 1-2 दिन तक तो मैंने कोई ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मेरे पॉसिबल नहीं था कि इतना मैं कैपेबल हो सकूँ कि वीडियोज़ अपलोड करूँ या फिर आप जो भी ऑर्डर्स मुझे आए हैं वो मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। इसीलिए आप सब भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए हैं फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन आप सब भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। समर्स एकदम हाई पीक पे है और इस बार समर्स बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मैंने अपना पूरा ध्यान रखा उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड लेयर को भी सेम तरीके से ही हमने रिपीट करना है जैसे हमने फर्स्ट को किया, और यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से जो है इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, सारी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और जैसे पाइनएप्पल क्रश लगाते हैं सारी चीज़ें करते हैं वैसे। और मैं पूरी कोशिश जैसा हमेशा कहती हूँ कि करती हूँ कि जितने भी मुझे जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी मैं नए तरीके से बनाती हूँ, जो भी मैं नया एक्सपीरियंस करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप सबके साथ भी मैं शेयर करती हूँ डे बाय डे जितने भी ऑर्डर्स आएँ। और जिस दिन नहीं आते उस दिन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं मैं हमेशा ही करती हूँ क्योंकि बाकी भी मेरा फूडिंग का काम रहता है तो मैं वो सारी चीज़ें भी देखती हूँ। जिस दिन मेरे ऑर्डर्स नहीं रहते तो मेरे फूडिंग की डिलीवरीज भी आती है, तो वो उस दिन जो है ना मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ऐसे मेरे 2 बिजनेस हैं तो दोनों पे मुझे फोकस करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे थर्ड लेयर भी हमने एकदम अच्छे से लगा दी है। स्पॉन्ज अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से बेक्ड है, सॉफ्ट है, और जैसे कहते हैं कि क्रीम हमेशा क्रीम में मॉइस्चर बना रहे उसके लिए हम शुगर सिरप लगाते हैं। शुगर सिरप हम इसलिए लगाते हैं ताकि केक की जो ब्रेड है वो हमारी एकदम सॉफ्ट रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत एक्स्ट्रा शुगर सिरप लगाने से केक की ब्रेड हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाती है तो उतनी अच्छी नहीं लगती है। और क्रीम में तो ऑलरेडी ही जो है आपका मॉइस्चर रहता है, और रात भर अगर आप फ्रिज में भी रखोगे केक को तो केक आपका हार्ड नहीं होगा,
जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि फ्रिज को अगर हम ओवर फ्रिज में अगर हम ओवरनाइट केक को रखेंगे तो क्या केक जो है हार्ड हो जाएगा, या फिर बॉक्स में रखना है या फिर बिना बॉक्स के रखना है। अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप बॉक्स में भी डाल के केक को रख सकते हो ओवरनाइट तक, और अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है और अगर है भी आपकी मर्ज़ी है, आप बिना बॉक्स के भी केक को रख सकते हो। बट मेक श्योर कि क्रीम आपकी एकदम परफेक्ट व्हिप्ड हो, ड्राई क्रीम नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर आप ओवरनाइट भी रखोगे तो केक को कुछ नहीं होने वाला, केक आपका एकदम फ्रेश रहेगा। हार्ड तब होगा जब आप सेम केक को कम से कम 8 दिन 7 दिन और 10 दिन तक इस तरीके से रखोगे ना, तो वो उसका मॉइस्चर थोड़ा चला जाता है क्रीम का। तो ये सारी चीज़ें इतने दिन रखने में होती है, 1 दिन और 2 दिन रखने में केक को कुछ भी नहीं होता है। साथ में यहाँ पे लाइट शेड की हमने पिंक कलर यूज़ की है, आप जेल लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैंने नॉर्मल जो कलर होता है पिंक मैंने वही यूज़ किया है। साथ में स्क्रैपर के साथ जैसे हम साइड की एजेस को क्लीन करते हैं वैसे ही करेंगे, और हमें यहाँ पे फिनिशिंग की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि क्लाइंट ने हमें बहुत ही लेस क्रीम कही थी और मैंने उनको कह दिया था कि हम चलो लेयरिंग में तो बहुत कम क्रीम लगाएंगे लेकिन केक की जो आउटर सर्फेस होती है उसे हमें अच्छे से कवर करना पड़ता है ताकि ब्रेड की कोई भी क्रम्स ना दिखे, तो वो सारी चीज़ों को हाइड करना। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस केक जो है वो टेस्टी होना चाहिए और दिखने में अच्छा होना चाहिए, कुछ भी ब्रेड क्रम्स दिखती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रीम एकदम लेस से लेस चाहिए क्योंकि सारे मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं और किसी की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ज़्यादा क्रीम नहीं कि डाइजेस्ट हो या ना हो, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे एकदम अच्छे से बिंदास होकर बिना टेंशन फ्री के कि क्रम्स दिखेंगे या नहीं उसकी टेंशन नहीं ली, और इस तरीके से हमने जितनी कोशिश हो सकी मुझसे मैंने लेस क्रीम के साथ केक को अच्छे से कवर किया। और केक की अगर आप हाइट देख रहे हो कितनी है, तो यहाँ पर जो ये वाला केक है ना मैंने टोटल 1.5 kg से ज़्यादा ही बनाया था, मतलब 1.5 kg जितना था लेकिन थोड़ा बहुत क्रीम की वजह से जैसा हमारा ज़्यादा हो जाता है, बट 1.5 kg की क्वान्टिटी के मैंने हिसाब से बनाया था यहाँ पर, तो इस तरीके से। और ये बिल्कुल फ्लैट था केक, उन्हें चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से ही मैंने सारी बनाई। तो यहाँ पे मैंने नोज़ल ले ली है N1 की नोज़ल है, सेम कलर हमने यूज़ किया है पिंक वाला, सिंपल से रोज़ेट के डिज़ाइन बनाएंगे। क्लाइंट ने हमें पिक्चर दिखाई थी गूगल से, तो सेम ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो कलर था बहुत ज़्यादा डार्क था तो हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं किया। इस तरीके से सिंपल हम रोज़ेट के डिज़ाइन बनाएंगे, और रोज़ेट के डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाइपिंग बैग में अच्छे से क्रीम को फिल करना है, उसके बाद आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। डीप फ्रिज में कभी भी नहीं रखना है, हमेशा नॉर्मल फ्रिज में रखना है। नॉर्मल फ्रिज में रखिए, उसे ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट तक क्रीम आपकी एकदम अच्छे से स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आप अच्छे से डिज़ाइंस बनाइए पाइपिंग बैग के साथ। तो डिज़ाइंस जो भी निकलेंगे नोज़ल से, जो भी आप नोज़ल मॉडल यूज़ कर रहे हो, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस निकलते हैं और फिनिशिंग के साथ निकलते हैं। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जितने डिज़ाइंस हैं वो सारे बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, और अच्छे से एकदम जो है ना हम यहाँ पे स्प्रिंकल भी करेंगे। तो यहाँ पे N1 भी हमने यूज़ की है नोज़ल, और उसके साथ एक और सिमिलर नोज़ल थी वो भी हमने यूज़ की है, स्टार नोज़ल। तो बस दोनों को ही हमने इस तरीके से डिज़ाइन अपने मन से जैसा था क्लाइंट ने हमें दिया था और थोड़ा बहुत मैंने अपने मन से हिसाब से वैसा हमने सारा कर दिया पिक्चर को देखते हुए भी। बस ऐसे ही हम सारे बॉर्डर्स को बना लेंगे जैसे हमने वन साइडेड पे बॉर्डर्स को बनाया है, काफ़ी सिंपल है। और इसे आप आराम से बना दो, बनाने के बाद इसे आप अच्छे से फ्रिज में स्टोर होने के लिए रख दो 6 घंटे 7 घंटे जितनी देर भी आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉन्डेंट वर्क नहीं है, कुछ भी केक को ख़राब होने के चांसेस नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि आपको मतलब डिलीवरी देने से पहले आपको केक को अच्छे से पहले डेकोरेट करना पड़ेगा उसके बाद देना पड़ेगा। आराम से ऐसे केक्स बना सकते हो और फ्रिज में रख सकते हो, जब क्लाइंट आए तभी आप दे सकते हो। और ये वाला केक भी सेल्फ पिकअप केक था, मैंने किसी को भी कोई केक की डिलीवरीज नहीं दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन बन गए, और स्प्रिंकल्स यहाँ पे थोड़े से मैं 0 साइज़ के कर रही थी, जो एकदम वाइट वाले हम यूज़ करते हैं ना पर्ल्स वाले 0 साइज़ के, वो वाले स्प्रिंकल्स यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल किए थे। और साथ में कुछ मैंने सोचा यहाँ पे गोल्डन वाले स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से गोल्डन वाले स्प्रिंकल्स भी जो थे वो भी मैं यूज़ कर रही थी। और यहाँ पर जो ये केक मैंने बनाया है ना, ये मैंने सुबह के टाइम पे बनाया था, तो उस दिन थोड़ी सी यहाँ पे बारिश का मतलब वेदर था, बारिश के थोड़ा क्लाउडी वेदर था जिसकी वजह से धूप निकली नहीं थी, और यहाँ पर जो है हमारा केक ये पूरा बन के रेडी है। हैप्पी मदर्स डे इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया क्रीम के साथ ही ब्लू कलर की। और साथ में ये वाला जो केक का प्राइस था, 1000 रुपीज़ मैंने लिया था इस केक का प्राइस, आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप ले सकते हो, मुझे जैसा प्राइस लगा सिंपल सोबर केक था मैंने
उसके हिसाब से लिया। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। और साथ में बहुत सारी केक की वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो भी जाके चेकआउट कीजिएगा। और जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जितनी कोशिश होगी मैं आप सबके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे अमेजिंग डिज़ाइंस भी दिखाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।